फिर मेरे को क्या मिला है? ओहो, ये कैसे मिल गया तुम्हें? ये तो मुझे नहीं मिली आज तक। ढूंढो तो सब कुछ मिलता है भाई। तो गाइस, हम लोग आए हैं द डॉलर स्टोर पे। एमी के स्कूल के लिए कुछ स्टेशनरी वगैरह चाहिए थी, उनकी उसकी टीचर ने मंगाई है। तो यहाँ पे जो हार्ड कवर बुक्स होती है ना, वो भी 1.5, वो भी $1 की मिल जाती हैं। तो मैंने कहा यार, कोई एक आधी ले लेती हूँ कुछ नया पढ़ने के लिए, डिफरेंट पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मुझे मिली है द परफेक्ट वाइफ। अब तो मैं ये पढ़ूंगी और गाऊंगी अमित के आगे कि होती है परफेक्ट वाइफ। अमित को लगता है कि बस अमित को ही नहीं मिली, बाकी पूरी दुनिया के पास परफेक्ट वाइफ है। बाकी एक बात बताओ, ये तुम क्यों ढूंढ रही थी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है और हमने कल जो ब्रेक लिया है, क्या किया हमने पता है? पूरा दिन सोचा था कि बैकअप बनाएंगे यूट्यूब का, अब अगले हफ्ते के लिए इनफ वीडियोस होंगे, जैसे एक दिन बना नहीं कौन सा तीर मार लेना था। लेकिन सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी करी, बिकॉज आज हम लोग सिटीजनशिप टेस्ट देने वाले हैं। अभी टाइम हुआ है 2:53, मतलब 3 बजने वाले हैं। लेकिन सिटीजनशिप टेस्ट हम लोग कभी भी दे सकते हैं 24 घंटे में। तो बाय द टाइम ये वीडियो खत्म होगी, फाइनल होगी, अपलोड करने का टाइम आएगा, उससे पहले टेस्ट बिल्कुल दे चुके होंगे। अभी अमित के कजिन घर पर आए हुए हैं, वो समोसे लेकर आए हैं। तो समोसे मम्मी खा रहे हैं, अमित खा रहे हैं, वो खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मेरा हेल्दी नवंबर चल रहा है, मैंने समोसे नहीं खाने, मैं सिर्फ प्लेन चाय पीऊंगी। प्लेन नहीं है, इसमें बहुत मीठा है। एक ही चम्मच मीठा है, कम ऑन। मैं पूरा सिर्फ मीठा ले रही हूँ। मैं पूरे दिन में जो भी अकेला मीठा ले रही हूँ, चाय भी ले रही हूँ, और तो कोई मीठा ले रही हूँ। बस वेइंग स्केल भी थोड़ा बजिंग हो जाए, तरफ आ जाए वेइंग स्केल को भी मेरे ऊपर। तो ये ब्रैंडन के समोसे है भाई, वेट भी आने के बाद ब्रैंडन के समोसे पहली बार मिलेंगे शायद। साथ हम देख रहे हैं इंडिया और जिम्बाब्वे वाला मैच जो कल था, जो इंडिया अभी जीता है। मतलब रात को नहीं देख रहे हम, रात को देखने का टाइम नहीं लगता, रात को सो रहे होते हैं हम। बट हाँ, यहाँ पर अभी हम हाईलाइट देख रहे हैं इसकी। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कप। मेरे को इतना बढ़िया लगा ना, मतलब वो ग्रीन टी जब आप पीते हो ना, तो फिर वो ग्रीन ग्रीन दिखते हो, फीलिंग आती है कि आप ग्रीन टी ही पी रहे हो। डॉलर स्टोर पे फिर मैं कहा मम्मी स्वेटर बना रहे हैं, स्वेटर ही पूरी नहीं होगी, फिडोको ले लियो। मनी क्या चाल? बढ़िया, आप बताओ सब कैसे? बस बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस काम का चल रहा है, ट्रकिंग एंड ऑल। हाँ, मनी ने भाई ट्रकिंग शुरू कर दी है, अब वो लंबे लंबे गेड़े लगाने लग गया। काम कर रहा है एडमिंटन? मैं अभी एडमिंटन के लगा रहा हूँ। हाँ, टोरंटो से कितने किलोमीटर है? 2000+ miles हो जाते हैं। 2000 miles मतलब मेरे ख्याल से 3000 kilometers से ऊपर ही होगा। अप्रोक्स इतना ही लगता है। हाँ, 3000 kilometers one way on one side, यहाँ से एडमिंटन तक का। तो कितना टाइम लगता है मनी एक बार होकर आने में? वैसे अकॉर्डिंग टू गूगल टाइम है 1 day 19 hours जो अप्रॉक्स टाइम है। वो तो चलो गूगल बताता है, गूगल के अकॉर्डिंग उससे उसे ज्यादा लगी जाता है, क्योंकि बीच में रेस्ट वगैरह सब होता है, रुकना भी पड़ता है, राइट? तो इन सब में थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लगी जाता है, लगभग 2 दिन तो लग ही जाते हैं। मजा आ रहा है ट्रैकिंग करके? हाँ, मजा तो आ रहा है, अभी थोड़ा सा हेक्टिक है लेकिन साथ साथ में मजा आ रहा है। गाइस, आपको याद हो तो मनी गई, हमने इंटरव्यू लिया था हाउ टू बिकम अ सिक्योरिटी गार्ड इन कनाडा। वो स्टूडेंट वीजा पर आया था कनाडा में। मनी 2 साल हुए ना अभी आए हुए, कि हो गए कितना टाइम हो गया? अप्रॉक्स 4 years होने वाले हैं। फोर इयर्स होने वाले हैं, पता भी नहीं चला। 2019 अप्रैल में आया था मैं। तो मनी स्टूडेंट वीजा पर आया था कनाडा में, और यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर उसे सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लिया था, और पहले एज अ स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखो। तो वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी जॉब है, क्योंकि उसमें पैसा भी मतलब मिनिमम वेज नहीं मिलता, अच्छा मिल जाता है, $18-20 एन आवर मिल जाता है, और शिफ्ट भी मिल जाती है। तो अब क्योंकि मनी स्टूडेंट वीजा से ऊपर उठ गया है, वर्क वीजा पर आ गया है, अब ज़्यादा कमाने का टाइम आ गया, तो उसने ट्रक का लाइसेंस लिया है एंड इज़ इनटू ट्रकिंग। तो अभी मैं खाना फिनिश कर लूँ, फिर बिठा कर मनी को ना 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं ट्रकिंग के ऊपर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के पूछे थे। तो भाई, ये है हमारी हॉट सीट। तो जब भी कोई आता है हमारे घर में जिससे हमें लगता है कुछ इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं, उसको हम इस हॉट सीट पे बिठा देते हैं। मनी आ जा भाई। मनी के लिए छोटी वाली हॉट सीट, इतनी बड़ी। मनी बैठा हुआ और मैं खड़ी हुई, हम बराबर के लगे। अभी भी वो लंबा है, इधर का फिर वापस हो गया। अभी बैठ कर मैं खड़ी होकर भी अभी मनी लंबा है। जितने छोटे है ना उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट इसका मोटा ग्लास है। अभी सबसे छोटा है ना, ये देखो यहाँ से भी ये मोटा है, यहाँ से मोटा है, फिर ये सेकंड वो है ना, ये
आपने कैसे सोचा कि आपने ट्रक का लाइसेंस लेना है? ट्रकिंग करियर क्यों चुना अपना? ट्रकिंग जब मैं सिक्योरिटी पे था तो उसके बाद मैंने सिक्योरिटी वाला ड्रॉप कर दिया था किसी रीजन से अपने, तो मैंने अमेज़न में काम करना शुरू कर दिया था, तो डिलीवरी ड्राइवर, वो वैन जी लाइसेंस पे चलाते, वो जी लाइसेंस पे मिल जाता है जॉब, और अब उसके बाद मैं ट्रकिंग, तो वहां से बन गया कि अब ट्रकिंग में जाऊं, अब ट्रकिंग में जाना कि अब ड्राइविंग की तो आदत पड़ गई है, अब ट्रकिंग में। तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी से अमेज़न में ज्यादा कमाया, अमेज़न में, हां अमेज़न में मैंने उससे उससे बढ़िया था, और अब ट्रक अमेज़न से भी अच्छा है, ट्रकिंग में अमेज़न से अर्निंग ज्यादा है। कितना मिलता है पर आवर वहां पे? पर आवर नहीं होता इसमें, पर माइल होते हैं सेंट यहां पे, लेकिन स्टार्टिंग में कम होते हैं, लेकिन बाद में तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होते रहते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे कंपनी के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं तो वो तुम्हारा पेमेंट इंक्रीज कर देते हैं सैलरी तुम्हारी। अभी अपना ट्रक चला रहे हो कि कंपनी का ट्रक चला रहे हो? अभी कंपनी का ट्रक है, अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करूंगा लगभग साल के करीब, फिर थोड़ी अर्निंग हो जाएगी, फिर अपना ट्रक सोचूंगा। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है इन फ्यूचर, अभी इतना प्लान नहीं किया, अभी शॉर्ट टर्म गोल। कितना पुराना लाइसेंस है अभी? मेरे पास लगभग एक साल हो गया। कितना टाइम लगे ट्रक का लाइसेंस लेने में? ट्रक का लाइसेंस डिपेंड करता है तुम कितने ज्यादा फेयरलेस हो, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा ट्रकिंग। फेयरलेस, ओ माय गॉड, मतलब मेरा देखो तुम जिंदगी में ना मिले कभी। लड़कियां भी लेती है ना? बहुत है, बहुत ज्यादा है। मेरा ऐसे था कि मैंने इंडिया में कभी कार तक नहीं ड्राइव करी थी आज तक, मैंने कनाडा आके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी ड्राइविंग, मैं सिर्फ बाइक चलाता रहा इंडिया में टिल द एज ऑफ 23। तो फिर कितने टाइम में, कितनी तैयारी करी ट्रक लाइसेंस के लिए, क्या प्रोसेस किया ट्रक लाइसेंस लेने का, ये बताओ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जी लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो पहले मैंने जी लाइसेंस होल्ड किया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसके ओंटारियो, हर प्रोविंस में इसके अलग है, मैं ओंटारियो के हिसाब से बताता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का पता है। वैसे इस लाइसेंस को कहते हैं एजी और एजेड कुछ कहते हैं कुछ लोग। इसके दो डिफरेंट फेजेस होते हैं, लाइक पहले एयर ब्रेक्स, फिर रिटर्न टेस्ट, और उसके बाद एजेड का लाइसेंस। तो पहले मैंने इसके लिए एयर ब्रेक का दिया, वो किसी भी आप रैंडम स्कूल में जाकर, दो दिन की क्लास होती है एयर ब्रेक का टेस्ट देकर, स्कूल वाले आपको सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं एक वीक के बीच बीच में। उसके बाद मैंने रिटर्न टेस्ट देना था, रिटर्न टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, दो पार्ट होते हैं 20-20 के, दोनों मॉड्यूल्स में 16-16 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए आपके। और रिटर्न टेस्ट देने के लिए आपके पास मेडिकल होना चाहिए आपका, तो आप किसी भी क्लिनिक में जाके अपना मेडिकल करवा सकते हो, वो आपको रिपोर्ट जनरेट कर देगा और आप वहाँ जाके दिखा सकते हो मिनिस्ट्री में। जब मेरा ये रिटर्न टेस्ट क्लियर हुआ तो मैंने उनको अपना एयर ब्रेक का सर्टिफिकेट दे दिया, तो मैंने कहा मेरे पास अब जी लाइसेंस है तो इसको जी जेड कर दीजिए आप। तो उन्होंने फिर उस मेरे लाइसेंस पे मुझे नया लाइसेंस बना के दिया जी जेड लाइसेंस का। उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, वो आपको आपको तैयारी करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका इंस्पेक्शन, जिसमें आपको ट्रक से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर बताने होते हैं, और सेकंड पार्ट होता है इसका ड्राइविंग, जिसमें आपको रोड टेस्ट देना होता है, थर्ड होता है रिवर्स। हर सिटी में अलग अलग टाइप के रोड टेस्ट होते हैं, जैसे कहीं पे रिवर्स डिफरेंट टाइप से करवाते हैं, कई सिटीज़ में डिफरेंट टाइप की रिवर्स होती है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपने किस सिटी में टेस्ट देना है। मैंने दिया था पीटरबरो सिटी है, टोरंटो से लाइक 150 किलोमीटर की दूरी पे होगी ये सिटी। तो पीटरबरो क्यों चूज किया, वहाँ पे टेस्ट थोड़ा इजी है? नहीं, पीटरबरो मेन रीजन ये था कि मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, मेरा कॉलेज वहाँ पे होता था। अच्छा। तो मुझे उस सिटी के बारे में यहाँ से ज्यादा पता था, ब्रैम्पटन से ज्यादा मुझे वहाँ का पता था, वहाँ की रोड से मैं ज्यादा फेमिलियर था। मैं फर्स्ट टाइम जब दिया था तो मैंने ड्रॉप कर दिया था, मैंने कहा मैं कर ही नहीं रहा, मेरे से हुआ ही नहीं था, मैं रिवर्स कर रहा था, मेरे से लग ही नहीं रही थी, मैंने छोड़ दिया वहीं पे। बट लेकिन बाद में जब उन्होंने मेरे रिपोर्ट निकाल के दी तो उन्होंने कहा मेरे पास अप्रॉक्स 13-40 अटेम्प्ट्स अभी और पड़े थे रिवर्स करने के, मैं इतनी बार और ट्राई कर सकता था। 30-40 अटेम्प्ट्स, 13-14 स्टिल बहुत ज्यादा होते हैं वो। मतलब इसका मतलब है मैं 13-14 टाइम्स गाड़ी को वापस ड्राइव में डालकर सीधा कर सकता था, जितने मेरे पास इतने चांसेस थे, बट स्टिल मैं डर गया था, मैंने छोड़ दिया था वहीं पे। फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था क्लियर। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में लाइसेंस ले लिया? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा लाइसेंस हो गया था। पूरा कितना पैसा लग गया लाइसेंस लेने में? अप्रॉक्स अगर हम नाना करके भी जाए तो 5,000-6,000 डॉलर्स लग जाते हैं, 5-6,000 लग जाते हैं लाइसेंस लेने में। और वैसे अप्रॉक्सीमेटली अगर अपना ट्रक ना लो और बंदा मतलब पूरा अवेलेबल हो काम करने के लिए, जिस तरीके की शिफ्ट मिलती है, तो कितना कमा लेगा बंदा महीने में? मैंने कईयों को देखा है 8,000 पर मंथ भी, अगर अपना ट्रक नहीं है तब भी। नहीं, अगर अपना ट्रक नहीं है तब भी 8-10,000 मैंने कईयों को देखा है कनाडा वाइड भी, और अगर तुम अमेरिका ड्राइव कर रहे हो फिर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। हाँ, अमेरिका में तो बढ़ जाता है। तो 8-10,000 में ये इंटर प्रोविंशियल चलाते हैं ना, कि दूसरे प्रोविंशियल में? हाँ, बिल्कुल, जो सिर्फ सिटी सिटी में चलाते हैं उनको इतना नहीं मिलता होगा। सिटी सिटी में 2,000 तुम और नीचे कर लो, ज्यादा 5,000-6,000 फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि पर आवर हो जाती है तुम्हारी पे फिर।
आठ से दस हजार कमाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ता है हफ्ते में? ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने घंटे लग रहे हैं अपना काम पूरा करने में, कहीं क्योंकि इसका ऐसा होता है कोई फिक्स जॉब ड्यूटी नहीं होती, कोई फिक्स जॉब ड्यूटी नहीं होती कि 9 to 5 में डन करने हैं, कोई नहीं होता। कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स कमाते बहुत हैं। होता है, हाँ ये तो है, ये मेहनत और रिस्क तो दोनों है ही इस जॉब, मेहनत भी है रिस्क भी है। और अगर कोई फाइन वगैरह लगते हैं तो वो किसके होते हैं भाई? फाइन वगैरह तो वो खुद के ड्राइवर की गलतियां ही है। ड्राइवर की गलती के कारण ही फाइन लगते हैं, ट्रक के कोई कागज ना पूरे वो भी आपकी गलती की आपने ड्राइव शुरू करने से पहले चेक क्यों नहीं किया, तो वो भी ड्राइवर पे ही आएगा कि तुम्हारी गलती है, तुम अगर रोड पे लेके जा रहे हो इतनी बड़ी चीज तो तुमने क्यों नहीं चेक किया। तो लगता है कि स्टूडेंट बनकर जब आए थे तो अपना पाथ बिल्कुल सही फॉलो किया था कि पहले सिक्योरिटी गार्ड से शुरू किया, फिर डिलीवरी वैन चलाई, फिर अब ट्रक, अब आगे क्या करने का इरादा है? अभी इतना कुछ नहीं सोचा मैंने, किसी भी अपने फेज में कुछ नहीं सोचा था, ये सब ऑन द वे आता रहा और चीजें होती रही, बस मेरा यही था प्लान, कोई मेरा मैं इतना मेजर गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स इतने भी नहीं लेकर आया था। अभी वर्क परमिट पे हो? अभी वर्क परमिट पे। कब तक है? टिल दिसंबर 2023। चलो ठीक है, तब तक पीआर मिल जाएगी, होप सो। फिर जंग के लिए तैयार हो गए हो? जंग पे जा रहे हैं। वो कहने कोई नहीं। अच्छा चलो यार, ये इसका तरीका है आशीर्वाद देने का। शेर वाली माता बन जाती है। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भैया, थैंक यू। अरे 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, 5 मिनट में डेफ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सेटअप करना पड़ेगा ना पूरा। गाइस आपको एक और चीज दिखा दूं, एमी को एक क्राफ्ट टेबल चाहिए थी ना, उसकी नजर थी इस क्राफ्ट टेबल पे काफी दिनों से, तो ये टेबल हमने इसके रूम में शिफ्ट कर दी है क्योंकि हम अपने लिए नया वर्क डेस्क ले आए हैं। या पहले हमारे पास यही वर्क डेस्क था छोटा सा, क्योंकि उस घर में जो वर्क डेस्क था ना हमारे पास, वो हम उसी घर में छोड़ कर आए थे कि हमें लगा था इस घर में ना डेकोर के साथ जाएगा नहीं। तो अभी दिखाते हैं यहाँ पे हमने नया कौन सा लिया है। हियर इट इज। हेलो। तो ये हम कल लेकर आए हैं न्यू, तो अब ये एक सेटअप हो गया यहाँ पे ऑफिस का अच्छे से। तो जो जगह मेरे वॉक इन क्लोजेट के लिए यूज होनी थी वो फिलहाल तो ऑफिस के लिए यूज हो रही है। लो पहले तो ये देखो टेस्ट दे रहे बैठे हैं, लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल खत्म है। हाँ जी, मेरे को ईमेल आ गई है क्या? वो टेस्ट कंप्लीट हो गया है? हाँ हो गया टेस्ट और पास भी हो गया। यस 16 नंबर आया कभी से फेमस। अब मैं इतनी ज्यादा तैयारी करी थी ना बता नहीं सकती, मैं 3 दिन से ना दुनिया जान की जितनी एप्स मिली, इवन पेड ऐप भी, डिस्कवर कैनेडा की भी एक ऐप है जो डिस्कवर कैनेडा बुक है, मैंने वो पेड ऐप है वो भी डाउनलोड करके कर लिया। मैं तो कल का दिन सोई हूँ, मैंने ऐसे बोला है वीडियो में कि मैं हम तैयारी कर रहे थे, बट मैं तो पूरा दिन सोई हूँ कल। मैं सच में आई वॉज सुपर श्योर कि मेरा 100% आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट पेपर किए ना सब में मैंने 100% सिक्योर किया है। बट इसमें ना बीच में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे, मतलब किसी भी ऐप में नहीं थे। आप मेरे को डरा रहे हो, अगला मैंने अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करी जितनी आपने करी। वो देख भी लेता, मतलब थोड़ा आइडिया भी तुम्हें दे देता कि किस तरह के क्वेश्चन थे, बट एक तो मैं दे नहीं सकता लीगली, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं है। सेकेंड थिंग, मुझे नहीं पता वो कौन से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, हो सकता है जो मैंने पड़े हुए थे उनमें से भी शायद मैंने कोई गलती कर दी। चलो कौन सा आपको मेडल मिला था 20 लेके, सिटीजनशिप मिल जाएगी या? या मैंने ना आपको बोला है कि कल हमने तैयारी करी, सैटरडे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, प्लान था मूवी देखने जाएंगे, मूवी देखने नहीं गए, विटबी शोर्स जाएंगे, यहाँ आस पास में बहुत अच्छी बहुत प्यारी जगह है मैंने सुना है बहुत लोगों से, वहां भी नहीं गए, बहुत सारा कुछ करने का प्लान था कि छुट्टी है बहुत कुछ करेंगे, बट मैं तो कल पूरा दिन सोई हूँ, मतलब मैंने अपनी नींद पूरी करी है हफ्ते की, मैं इतना सो गई हूँ ना कल और आज के दिन में, तो मुझे लगता है मैंने एक हफ्ते की नींद पूरी कर ली है, मैं 11-12 घंटे सोई हूँ दोनों दिन, आज भी और कल भी। तैयारी मैंने बड़ी थोड़ी सी करी, लेकिन मैंने डिस्कवर कैनेडा बुक पढ़ ली है, लेकिन अमित ने इतनी तैयारी करी है ना, मतलब 3 दिन से अमित लगे हुए तैयारी करे, मैं अमित को बोल रही हूँ मेडल ही दे देंगे आपको अगर 20 से 20 ले लोगे, और मुझे पूरा यकीन था कि अमित के 20 नंबर आएंगे, अमित के नहीं आए ना। मैं एक बार अमित एक चक्कर और डिस्कवर कैनेडा का लगाने वाली हूँ बुक का। मैंने पता है मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने टेस्ट पेपर सारे किए हैं बट मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, तो बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। आप देखो यार हमारे पास टाइम है नवंबर 20 तक पेपर देने का, अभी आज हुए नवंबर 6, आप क्लियर कर चुके हो ना, मतलब एक चीज तो हो गई ना, मैं भी दे दूंगी लेकिन अभी मैं 2 दिन घंटे और पढ़ाई करूंगी। Anybody can give me a little bit help? Okay, what kind of help you need? I need you to put this upstairs and I also need your help. ऐसे करी। ओह, भंगड़ा करने को कहा है। ये भी भंगड़ा नहीं होता, बट ऐसे कर।
गो। बाहर बहुत बढ़िया हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, नवंबर में वैसे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। और ना जो हमारे घर के सामने वाला पेड़ है, पत्ते गिरते जा रहे हैं, उसके अपने पत्ते उठाए भी नहीं है, देखती हूँ उसकी हालत क्या है, एक बार जाने का मन कर रहा है। अच्छी हवा ही चल रही है यार, मतलब इस हवा में वॉक की जा सकती है, ठंड वाली हवा नहीं है वो वाली हवा है वो इंडिया में छतों के ऊपर गद्दे डालकर सोने वाली हवा होती है ना, मजा आ रहा है ना हवा में। सच में यार बहुत बढ़िया हवा चल रही है, ऐसे मौसम रह जाए पूरी सर्दियाँ ऐसे निकल जाए यार, मतलब दिसंबर में भी यही मौसम हो, नवंबर में पूरा यही मौसम हो, इंडिया जाके रह लो। कल ये सारे इकट्ठे करके उठाने पड़ेंगे, बट सोच रहा हूँ मैं शिल्पा की अभी दो दिन ना रुक जाता हूँ, मेरे ख्याल से दो दिन में पेड़ बिल्कुल ये खाली हो जाएगा और तब इकट्ठे उठाएंगे। हाँ जी शिल्पा, मेरी वीडियो तो होगी डन, तुमने कहा था कि मेरी वीडियो डन होने से पहले अपना टेस्ट दे दोगी, कब देना टेस्ट? बस दो अटेम्प्ट फोर कर लूँ टेस्ट पेपर के फिर बैठ ही रही हूँ, मतलब मैंने सोचा था मैंने 20 out of 20 ले लिए हैं, तो आपके यार 16 आए हैं, अब मेरे को 20 तो लेने ही लेने हैं। मतलब सारी जिंदगी सुना होगी क्या? यार पास हो गया अमित, कम ऑन, मैं इसलिए नहाने के लिए गई थी, फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश माइंड से टेस्ट दूंगी। अब भगवान जी की पूजा करके हाथ पैर जोड़ के ऐसा लग रहा है जंग पे लड़ने के लिए जा रहे हैं, बस बैठ रही हूँ। मैंने अपनी माँ की और अपनी बेटी की पूजा करी थी, तुम भी मेरी पूजा कर सकती हो, मेरे भी फूल आएंगे। चलो 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 बंद करो ना, मैं अभी अभी दे रही हूँ टेस्ट। हे गाइस, फाइनली मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ पेपर देने के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कर लिए हैं, डिस्कवर कैनेडा ऐप ना अमित ने अपने फ़ोन में डाल रखी थी, और जब से अमित तैयारी कर रहे थे वो मेरे पास ऐप आई रही थी, और मुझे लग रहा था कि डिस्कवर कैनेडा जो मेन बुक है उस ऐप से भी तैयारी करनी चाहिए, तो जब से अमित ने क्लियर किया टेस्ट, अमित तो क्लियर किए हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं, तो अब मेरे को फ़ोन मिला और उसमें 21 टेस्ट पेपर थे, वो भी मैंने सारे कर लिए, तो अब मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ और टेस्ट दे रही हूँ। टेस्ट देने से पहले बर्थडे शाउटआउट्स देकर जाती हूँ, ठीक है? अमित कह रहे हैं कि उनको वीडियो डाल लिया, उनकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि वैसे भी हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं, हमारे दिमाग में है कि अभी तो 1:24 हुआ है यार, रात के 1:30 बज चुके हैं, मैं टेस्ट देने बैठ रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं 2:24 हो चुका है, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो एक्चुअली बहुत लेट हो गया अमित, क्योंकि डे लाइट सेविंग शुरू हो चुकी है कैनेडा में, और हम लोग हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला था इस संडे को। कल रात को क्या हुआ था कि जब 2 बजे थे तो एक्चुअली फिर से 1 बज गए थे, तो आपको पता ना कैनेडा में डे लाइट सेविंग रहता है, तो जब विंटर्स शुरू होते हैं तो हमें 1 घंटा एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, और हम 1 घंटा पीछे चले जाते हैं, फिर समर्स में क्या होता है हमें 1 घंटा कम मिलता है और हम 1 घंटा आगे हो जाते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बात इतनी सी है कि 1:25 है, बट एक्चुअली इंडिया के हिसाब से आप देखोगे तो ऑलरेडी 2:25 हो चुका है, तो जितने बजे हम वीडियो डालते हैं इंडिया के हिसाब से हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो बर्थडे शाउट आउट, आज है बानी का बर्थडे, बानी मेरी और अमित की नीस है, ननोदी की बेटी है, वी शो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे बानी, और इट्स अ स्पेशल बर्थडे फॉर बानी बिकॉज वो 13 ईयर्स की हो गई है, ऑफिशियली टीनेजर। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपने जब हम इंडिया गए थे ना तो बानी और एमी की एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बानी ने एमी का इंटरव्यू लिया था, देखना चाहते हो अगर तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए मेरे को टेस्ट देने दो, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। कल की वीडियो बताती हूँ कि मैंने टेस्ट कितने नंबर से क्लियर किया, क्लियर तो मैं कर लूंगी यार, बट कितने नंबर से क्लियर किया वो कल की वीडियो में बताऊंगी। अब मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, बाय।